लखनऊ के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की शिरकत। कहा, मैं भागीदार हूं हर उस कोशिश का जिससे युवाओं को मिले रोजगार। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर बोला राहुल पर हमला। बोले, मुझ पर भागीदार होने के लगे आरोप, लेकिन मैं इससे खुश। आज यूपी में पीएम मोदी का दूसरे दिन दौरा। 60,000 करोड़ की 81 योजनाओं का होगा शुभारंभ। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से आम चुनाव कराए जाने की मांग। जरूरत पड़ी तो होगा आंदोलन। अखिलेश यादव पर छोड़ा समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने गठबंधन का फैसला। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सीटों के बंटवारे पर अखिलेश ही लेंगे निर्णय। हरदोई में दारोगा पर ग्रेजुएशन की छात्रा को शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप। शिकायत के बाद दारोगा फरार। गोंडा जिला जेल में डीएमएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ डाला छापा। चाकू कैंची समेत कई प्रतिबंधित चीजें बरामद। आजमगढ़ में जमीनी विवाद के चलते 12 साल का बच्चा थाने में बंद। मां पहुंची मिलने तो की बदसलूकी। गाजियाबाद में बालकनी में खेलते हुए 5वीं फ्लोर से गिरी 10 साल की बच्ची। घायल बच्ची की हालत गंभीर। बाराबंकी में बीजेपी विधायक के खिलाफ फूटा योगी की हिंदू युवा वाहिनी का गुस्सा। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन।